लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सर आइए, जल्दी आइए, हमारे मना करने के बाद भी ये लोग काम बंद नहीं कर रहे हैं। ए बंद करो, काम बंद करो, मशीन बंद करो। कितनी बार समझाए, समझ नहीं आती क्या? इस मैथिली कंस्ट्रक्शन के काला धंधों का कोई अंत नहीं है। इन्होंने गैर कानूनी तरीके से हमारे पिछड़ी जाति के लोगों के 200 एकड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और गलत सर्वे दिखाकर हमसे धोखेबाजी कर रहे हैं। ए पेपर दिखाओ अपना, देखिए सर, देखिए अपनी आंखों से देखिए सर। देख रहे हो लकी, जब इन्हें सब कुछ पता ही है तो फिर तुम जैसे किसी वकील से स्टे ऑर्डर लेकर काम बंद क्यों नहीं करवाते? पापा, वो मुझे नहीं जानते, उन्हें सिर्फ जुडिशियल सिस्टम की पड़ी है। जज की पोस्ट से आपको भी रेजिग्नेशन देना पड़ा। मैं ठहरा एक नॉन कमर्शियल लॉयर और हम दोनों घर पर बैठे हैं। करेक्ट। ओपोनेंट चाहे कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, मैं कमजोरों को इंसाफ दिलाने के लिए जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। बिल्कुल सही, मैं उस चैनल में कॉल करके उस आदमी का नंबर लूंगा और उसे तुमसे मिलवा दूंगा। पापा, चैनल वाले इनका नंबर क्यों देंगे? वो देखिए, जिस कंपनी के खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं उसी का एडवर्टाइजमेंट नीचे चल रहा है। सब कुछ कमर्शियल है, हमारी तरह ईमानदार थोड़ी ना है। उस आदमी को आप किसी भी तरह मेरे पास ले आइए, मैं मदद कर दूंगा, इंसाफ दिला दूंगा। सीनियर, क्लाइंट्स रेडी हैं, बिल्कुल नए हैं। कमिंग। हाँ, आप उस आदमी को बुलाइए, मैं अभी जाकर आता हूँ। ये पाशा कौन है? उसका नाम पाशा है, ओल्ड सिटी से। प्रॉपर्टी पर मुकदमा चल रहा है, इसलिए मैं सस्ते में खरीदना चाहता था, लेकिन ये लोग वहां भी आदम के। जब मैं अपने साथ कुछ लोग ले गया बात करने के लिए, तब उन लोगों ने हम पर थूका, हमें मारा और हमारा सर फोड़ दिया। किसी तरह हम लोगों ने अपनी जान बचाई और वहां से भाग गए। अगर इन्हें कोर्ट में घसीटा तो भी ये सरेंडर नहीं करेंगे, सेटलमेंट बाहर करना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं होगा सर। तब तुम्हारा लॉयर लकी नहीं था ना? तुम उन्हें कम समझ रहे हो, अच्छा इस तरफ या खुद को ज्यादा समझ रहे हो, मुझे नहीं पता। हम बस चाहते हैं कि मैटर सेटल हो जाए, मैं आराम से अपनी जमीन पर जाकर हल्का हो सकूं, बस यही चाहता हूं। अरे सुनिए, क्या हुआ? इस तरफ देखिए, आप सिर्फ हल्का ही नहीं, खाया हुआ फुल्का भी निकाल सकते हैं उस जमीन पर। जब हमारे सीनियर ने केस हाथ में ले लिया तो समझो सबकी छुट्टी हो गई, उन्हें या हमें। जोक लगा, ये कोई कॉमेडी शो नहीं है। नाराज मत होइए सर, प्लीज। हमने जिसे भी ये काम दिया है सबने बड़ी बड़ी बात की, लेकिन काम कोई नहीं कर सका। जिस तरह से आपके आदमी ने आपकी तारीफ की है, मेरी उम्मीद जाग गई है। अब आप बताइए, आप फीस कितना लेंगे सर? अरे आप लोग फीस के बारे में बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। ये एक्स जस्टिस सूर्य नारायण जी का घर है। नमस्कार सूर्य नारायण जी। उस तरफ। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। बेफिक्र होकर आज दोपहर को मीटिंग करने आ जाइए। क्या आज है? अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आज का मुहूर्त भी शुभ है। हमें क्या दिक्कत होगी सर, हम खुशी खुशी वहाँ आ जाएंगे। अरे गिरने के बाद उतार आए ढक्कन, पहले आप उठिए भी बात करते सर। हेलो, मैं लॉयर लकी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ब्रो। मैंने पाशा के ओपोनेंट का केस अपने हाथ में लिया है, उसके गुंडे मेरे पीछे। 1, 2, 3, 4 क्रिकेट टीम से ज्यादा है सर। चद्दर से बाहर पैर पसारा तो पैर तो गंदे होंगे ही। ये केस क्यों लिया सर? केस नहीं लेता तो कुछ और लेना पड़ता। ये केस तेरे को मिला है, पुलिस वाले नहीं बताया मेरे को, अभी वो तेरे को मारने के बाद ही आएगा। पाशा भाई, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। ये तो बिल्कुल सही नहीं है, वकील के साथ ऐसे बहस करना सही तो नहीं है, सजा तो मिलेगी। भाई मैं निपटा क्या था इसको। तू तो गया, याला हमें हमें इतना जोर से बाजू की उम्र उड़ा, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, माफ कर दो भैया। अबे खरबूजे, इसे सेल्फ डिफेंस कहते हैं, जब कोई हमला करे तो शांत नहीं रहने का, अपनी हिफाजत के लिए पंच मारने का। ऐसे
प्यार की झप्पी देने का इस तरह, और फिर उसे फ्लाइट मोड पे डालने का, ऐसे डॉल्बी साउंड निकालने का, या सर को नारियल जैसे फोड़ने का। शायद तू जानता नहीं, खुद के बचाव के लिए सेल्फ डिफेंस एक्ट 302, 324 और 325M बनाया गया है। अबला बनकर खड़ा तो नहीं रह सकता, मुझे भी तुम्हारा तबला बजाना पड़ेगा। अब आओ बजाने दो। चल भाग रहे। यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, जरूर कुछ हुआ। सर सर सर, मेरी जान को खतरा है, मुझे इनसे बचाओ। ये सब क्या है? देख के लग रहा है तू नहीं, ये सब क्या है? पता था मुझ पर इल्जाम लगाओगे, इसीलिए सबूत के तौर पर मैंने वीडियो बनवाया है। हाँ सर, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। और एक खुशखबरी है, आप ही ने घूस खाकर इन्फॉर्मेशन दी थी ना, वो भी रिकॉर्ड हो गया है। बड़े भैया, इसे दिखा दूं तो आप लंबा अंदर जाओगे। मर गए। एक बात बोलूं, ये वीडियो दिखाने से ना आपका कोई फायदा नहीं होगा। आइए खूब चुपचाप बात करते हैं। अकल ठिकाने आई, चलो। ओके, ये तेरा, ये तेरा। साइन कर, साइन कर। सुन भालू, सबका कड़वा मुंह मीठा करा। ये क्या भाई साहब, सिर्फ एक चॉकलेट खिलाकर आप पूरा मैटर ही सेटल कर रहे हो? एक एक्स्ट्रा दूं क्या तेरे मुंह में? ऐसा नहीं है साहब, पेपर का, जेरोक्स का, शेड का, फर्नीचर का, पेट्रोल का, इन सब का खर्चा। ये हिसाब करना बंद कर, लमसम 10 कर दूं। 10,000? क्या नहीं रे, लाख। सच्ची? 20 लाख दिलवाता हूँ, मैटर सेटल हो जाएगा रे। बोथ द पार्टीज हैप्पी, करेंगे पार्टी, डील फाइनल, समझू? हेलो, आप तो एक फीस भी नहीं ले रहे हो, लेकिन इन चिल्लर लोगों को 20 लाख का वादा कैसे कर दिया? पैसे का नाम सुनकर डिफ्यूज बल्ब जल गया। अबे कंजूसी करना बंद कर, तू बड़ा बिल्डर है या फिर वेल्डर? आंखों के काले धब्बे छुपाने के लिए तो ये सनग्लासेस पहनता है ना। अब इसकी जरूरत नहीं, इनको 25 लाख कैश और मुझे SUV गिफ्ट कर। एक तो आपने 20 का 25 लाख कर दिया और ऊपर से मैं आपको SUV भी दे दूं। अरे इतना बड़ा मैटर सेटल किया है, पार्टी में पुरानी गाड़ी लेकर आऊंगा तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा ना? मैं जानता हूँ तेरा दिल बड़ा है, तू SUV नहीं स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करेगा। अरे बाप रे, अब मैं समझा आपने फीस लेने से मना क्यों किया। मैं बता दूंगा। किसे बताएगा? तुम्हारे पापा को। क्या बताएगा तू? वो अपने किराने की दुकान पे सब कस्टमर से कहते हैं कि उनका बेटा कितना महान है, वो गाजर है, वो लहसुन है। मैं उन्हें बताऊंगा तुम कितने कमर्शियल हो, एक नंबर के घूसखोर हो, मैं उनकी आंखें खोल दूंगा। उनकी खुलने से पहले तेरी बंद हो जाएगी। कैसे बंद होगी? बताता हूँ भाइयों, तमाचा दियो। देना, इसकी बहुत भर गई है। ये सर लोडेड है फुल्ली, पहन ले। किस लिए सर? सूट करता है। ओ, तो ये मुझ पर सूट करता है। हाँ, मेरे क्लाइंट ने पाशा को सेटलमेंट करने बुलाया था, उसे डराने के लिए उसके सर पर गन पकड़ी और उससे साइन करवाई। अटेम्प्ट टू मर्डर सेक्शन IPC 307506 और आर्म्स एक्ट 24 के तहत तुम्हें जेल होगी। ये तो कमीने पन की हद हो गई। रुको, मैं बताता हूँ तुम क्या सोच। हाँ, बताओ बताओ, मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे हो कि जिसका बाप पूरी जिंदगी ईमानदारी से रहा, उसी का बेटा बेईमान, रिश्वतखोर और कमीना कैसे बन गया? यही सोच रहा है ना तू? करेक्ट। तेरे जैसे कमीने मक्कार के लिए ही क्रिमिनल लॉयर को क्रिमिनल का लॉयर बनना पड़ता है। यही बैक ऑफ द माइंड चल रहा था ना? ये भी करेक्ट है। लॉयर हूँ, क्रिमिनल मेंटेलिटी वाला लॉयर हूँ। क्या बात है, आप तो अंतर्यामी निकले, पर मैं तो कुछ और भी सोच रहा था। लेकिन आप गेस नहीं कर पाएंगे सर, आप केस लेने से पहले फीस को मना करते हो, पर काम होने के बाद उसे लटाकर उसी की। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो, अगर तुमने इससे ज्यादा कोई अश्लील पोज दिया तो अंडर सेक्शन 504 के तहत 3 साल अंदर जाओगे। तेरे लिए स्पोर्ट्स कार कैंसिल करता हूँ, SUV भेज देना, वो भी व्हाइट। यस सर। यस सर। सैल्यूट करने के लिए मैं कोई हीरो नहीं हूँ, विलन हूँ, विलन हूँ। जो भी इशारा किया कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सर को दे दीजिए। अरे लेकिन ये गुलदस्ता क्यों? इन्हें बता दो कि ये सिर्फ गुलदस्ता नहीं है। ये क्या, आपकी गाड़ी की चाबी इसमें फंस गई? अरे अरे, फंसी नहीं है सर, हमने उसमें रखा है, आपके बेटे का गिफ्ट है। क्या गाड़ी? गाड़ी कम से कम 5 लाख की तो होगी ही। बताओ इन्हें। अरे सर जी, 150 रुपए की गुलदस्ते में 5 लाख की गाड़ी आपके बेटे को देना शान के खिलाफ है।
जरा उधर तो देखिए। हे, नई नवेली चमचमाती एसयूवी, वो भी 7 सीटर। ये सही है? देखिए, जब मैं जज था तब अपने फैसलों के बदले एक पेन तक गिफ्ट में नहीं लेता था। क्या सर, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सब स्टेशनरी तो आपको सरकार की तरफ से मिलती ही थी, इसका उससे क्या मेल है? देखो, गिफ्ट चाहे छोटी हो या बड़ी, एक बार लेने की आदत पड़ गई तो वो हर केस में गिफ्ट पाने की उम्मीद करता रहेगा। पापा, इसलिए कोई गिफ्ट नहीं। पापा, नमस्ते, 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 नमस्ते। मैं इनसे फीस तक नहीं ले रहा था तो गिफ्ट कैसे ले सकता हूँ भला? आपके संस्कार मेरे रगों में दौड़ रहे हैं। आपने ये सिखाया है कि जिनके साथ अन्याय हो रहा हो उन्हें इंसाफ दिलाऊं और सिर्फ 100 रुपए का बुके लूं। मैं उन्हीं आदर्शों पर चल रहा हूं। क्या संस्कार है? मैंने आपसे कल क्या कहा था? बताइए क्या कहा था? मेरी मेहनत की वजह से आपने इस केस को जीता और करोड़ों कमाए हैं, लेकिन मैं 1 रुपया भी ऑनलाइन नहीं लूंगा, यही कहा ना? ये सब तो मुझे याद नहीं सर। याद नहीं तो याद दिलाऊं? ऐसे ही कहा था आपने। तो ऐसे तोहफे देकर हमें लालच क्यों दे रहे हो? ठीक है, फिर वापस ले लोगे तो सेक्शन 502 नहीं लग जाएगा? सेक्शन की बात क्यों? अब हमें सेक्शन क्यों सुना रहे हैं आप? जनरल नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, मुझे और डैड को कन्विंस करो तो शायद हम गिफ्ट रख ले। ओ, अच्छा, कन्विंस? कर देंगे। सर, ये आपके लिए नहीं है सर, ये तो हमारी खुशी के खातिर है सर। अच्छा ठीक है, आपका दिल रखने के लिए ले लेता हूँ, लेकिन अगली बार सिर्फ फीस देंगे। हर एक चीज हम कागज पर लिखवा लेंगे, हम उस पर अंगूठा लगाएंगे और फिर फीस देंगे। ओके, ये गाड़ी देने की हैसियत नहीं है सर। सर, पहले आप एक बुके ले लीजिए। पापा, ये गिफ्ट लेने में मुझे संकोच हो रहा है। आंख पर पट्टी बांध कर जैसे कोर्ट में न्याय की देवी के आगे इंसाफ होता है, आप भी पट्टी बांध लीजिए और ये छोटा सा गिफ्ट कबूल कर लीजिए। ले लीजिए सर। लीजिए लीजिए, बच्चे खुश हो जाएंगे। ओके ओके, जाइए सब। एक मोर ने पंख खोले पुष्पक विमान नाम के डेली सोप में, एपिसोड नंबर 6932, रोल कैमरा एक्शन। ऑर्डर ऑर्डर। सर, ये मेरा निकम्मा। पहले अपना मास्क पहनो तुम। माफ कीजिएगा सर। एक बाप होकर अपने बेटे से ऐसा बर्ताव करते हो, शर्म नहीं आती? अरे बोलो, पुतले की तरह ऐसे खड़े क्यों, कुछ बोलो। मैं बताती हूँ योर ऑनर। लॉयर झांसी? लॉयर झांसी, क्या इस केस को आप खुद लड़ने वाली हैं? जी माय लॉर्ड, मैं यहाँ सिर्फ ये केस लड़ने नहीं आई हूँ, मैं इस बूढ़े बाप के दिल का दर्द सुनाने आई हूँ, इनके कैरेक्टर में घुसकर इनकी एग्जैक्ट फीलिंग्स बताने आई हूँ और इसके साथ सारी बातें बताऊंगी। क्या मैं बैठ कर सुन सकता हूँ? यस, प्लीज प्रोसीड। आप लोग बैठ जाइए। सर जी, माना कि हम लोग छोटी सी दुकान चलाते हैं, बड़ी मेहनत से अपने बेटे को लॉयर बनाया, चाहते थे अच्छा काम करे, समाज की सेवा करके अपना नाम कमाए, सिर्फ मेहनताना ले, मजबूर लोगों से गाड़ी या घूस ना ले। ठीक है, हमने मान लिया इसने ये काम किया है, पर आगे क्या, क्या तुम्हें इसमें हिस्सा चाहिए? नहीं चाहिए योर ऑनर। मैं नहीं चाहता इसकी काली कमाई का हिस्सा या ये घटिया आदमी मुझे बाप बुलाए। ए, गौर से सुन ले, मुझे इससे तलाक दिलवाइए। बाप और बेटे में तलाक, क्या मजाक? हाँ, चल रहा है? अभी दिलवाइए, अभी अभी। लगता है वो अपना डायलॉग भूल गई सर। अबे बोल ना। बताता हूँ मैडम, ये बाप और बेटे के रिश्ते को, बाप और बेटे के रिश्ते को अभी के अभी खत्म किया जाए। मेरे मरने के बाद, मरने के बाद मेरी लाश को हाथ तक न लगाए। हाँ नहीं लगाएगा, अभी आपको मरने में टाइम है, तो जल्दबाजी क्यों? नहीं और ऑनर, नहीं योर ऑनर, मुझे इस कोर्ट में हार्ट अटैक आए, मुझे इस कोर्ट में हार्ट अटैक आए, इसी तैयारी के साथ आया हूँ। जैसे ही आप अपना फैसला सुनाएंगे माय लॉर्ड, मैं उसे सुन के मरने के लिए तैयार हूँ। डायलॉग्स पूरे खत्म हो गए, आप मर सकती हैं, जल्दी मरो, शिफ्ट खत्म हो गई। कट इट। ओके, आप सब लोग ताली बजा दीजिए, जिस तरह से मैडम ने हार्ट अटैक की एक्टिंग की है, आप लोग का ताली बजाने का पूरा हक बनता है। व्हाट अ परफॉर्मेंस सिस्टर। नारियल में पानी पीजिए। सुपर सुपर मैडम, आपका ये किरदार इंडियन ऑडियंस के दिलों में बसा रहेगा। इसलिए तूने मेरा रोल खत्म कर दिया? मैं एक राइटर हूँ, मैं कर भी क्या सकता हूँ, उन्होंने कहा इसलिए मुझे काटना पड़ा। हाँ तू तो काटेगा ही, हर किसी का काटने के लिए 24 घंटे बैठा रहता है। छोड़ो इसके भूखा लगना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करके बड़ा ड्रामा करते हैं, चलिए। सर वो तो यही आ रही है, 4 बार लेटर आ चुका है इसको निकालने का, आने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए प्रोड्यूसर, ये सब क्या है? 6932 एपिसोड कर चुकी है वो। 10 साल की एक्टिंग की सफर जो 15 साल की उम्र में शुरू हुई,
सब इन्हें लॉयर झांसी के नाम से पहचानते। इतने बड़े किरदार को तुम अचानक मार कैसे सकते हो? ये एपिसोड देखकर ऑडियंस रोएगी या नहीं? रोएगी या नहीं? मेरे किरदार को मरता देखकर औरतें खाना कैसे बनाएगी? कैसे बनाएगी? वो घर पे शांति से रह पाएगी? कैसे रह पाएगी? तो ना रहे, मुझे क्यों सोचना है? कोरोना के चलते हमारा बजट पूरा हिल गया है। कितनी बार रिक्वेस्ट किया फीस कम कर दो, पेट्रोल की कीमत की तरह बढ़ाई जा रही हो। तुम्हारे बजट को झेलूं या इन दो नमूनों को झेलूं? ए, तू जरा इधर देख, ये जो तूने गुब्बारा बनाया है ना, चढ़िया 10 लोगों का अकेला ठूसता है। पर मैं तो बहुत पतला हूँ ना। बड़ी तू बात मत कर, बड़ा झोला है तू, लड़कियों का लहंगा काट कर लुंगी बनाता है। बड़ी 420 चढ़िया कहीं का, तुम लोग ये नौटंकी बहुत सह लिया मैंने। झूले लाल की कसम, तुम लोग को शो से निकाल रहा हूँ मैं, तुम तीनों को पेड़ों तले मसल रहा हूँ। ए, तू मुझे कुचल दे या मसल दे, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली। मैं ही हूँ यहाँ की झांसी लॉयर झांसी। ले पकड़ अपना कोट, इससे कैसे वापस पाना है सब अच्छे से जान। चढ़िया कोट को संभाल कर रख, एक बार मेरे मैडम ने कसम खा ली तो तुम गांव अपने बस में लौटोगे। ठीक है बाबा, जाके बस स्टैंड में बैठो, मैं भीख भिजवाता हूँ। किसको अब? टिंग 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 टिंग। 48 फ्रेम में स्लोमो में बहुत अच्छे से धमकी दी और एंट्री मारी। अब इसमें मेरा क्या काम है? हार्ट अटैक का बहाना बनाकर मेरा कैरेक्टर खत्म करने के लिए उस राइटर के खिलाफ केस दर्ज कीजिए। एक मिनट, मतलब आपके सीरियल में आपके किरदार को उन्होंने बीच में से ही कट कर दिया, इसलिए आप केस करना चाहती हैं, यही ना? वाह, आपने मेरी मैडम की बात को बिल्कुल सही समझा है। सच बताइए, कभी किसी भी लॉयर की जिंदगी में आज तक ऐसा यूनिक केस नहीं मिला होगा ना उसे? मुझे पता था, मैडम ने पहले ही कह दिया था हमें। मैडम इन्हें बताइए क्या सेक्शन लगाना चाहिए। हाँ लिखो लिखो। Criminal breach of trust, cheating under section 406 of Indian Penal Code. जान बूझ कर मेरे किरदार को मारने के लिए और मुझसे मेरा काम और रोजगार छीनने के लिए IPC 500 के तहत, IPC 503 के भी तहत मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना। मैडम मैडम मैडम, एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? हाँ, कानून की सारी धाराएं तो आपके दिमाग के हाईकोर्ट में छपी हुई हैं। लॉयर के किरदार के लिए इन्होंने लॉ किया। हाँ, she's BLLB, IAS। वाह, अगर डॉक्टर का कैरेक्टर मिला तो MBBS, पुलिस का रोल हो तो IPS। वाह, कलाकार एक रूप अनेक। जब मुझे मेड का किरदार मिला था, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया, फिर कैमरा के सामने परफॉर्म किया। अच्छा है, आपको गंगू ताई का रोल नहीं मिला। मैम, I'm sorry, मेरा वो मतलब नहीं था, गलत मत समझना, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। आप जो केस लेकर यहाँ आई है ना, उसे कोई भी लॉयर अपने हाथ में नहीं लेगा। मेरी सलाह मानिए, आप अपना केस खुद लड़िए, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं। केस का फैसला होते ही आपकी सीरियल में वापस एंट्री। ऐसा ही कीजिए। मैडम, इस लम्बू ने बिल्कुल सही बात कही है, इसके बस की बात नहीं है केस लड़ना। अपने काम करते, सीधे कोर्ट जाते और तूफान लाते। पक्का ना? पक्का। ये क्या ड्रामा कर रहे हैं? ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस। उठिए, मैडम आई है। उठिए। ऑर्डर ऑर्डर साइलेंस साइलेंस। गुड मॉर्निंग योर ऑनर, मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। इस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की जोड़ी ने 10 साल से पब्लिक की चहेती किरदार का कत्ल किया है। अच्छा, तो जब मर्डर हुआ तब पुलिस क्या कर रही थी? यहाँ तक कि एफआईआर की कॉपी भी नहीं है। मिलेगी भी नहीं, क्योंकि दर्जी नहीं की। पुलिस की पूरी टीम को भी भेज देंगे ना मैडम जी, तो भी कोई सुराग नहीं मिलने वाला। सिर्फ वकील ही क्यों, पुलिस, डॉक्टर, IAS, IPS, इंजीनियर्स, ऐसे सैकड़ों को मौत के घाट उतारा है। और इस तरह से सबके सामने कबूल कर रहे हैं? आप लोग मर्डरर हैं क्या? No, we are leaders. हमने कितने सारे लोगों के किरदार मारे हैं, पर किसी ने हमको कोर्ट तक नहीं घसीटा। हाँ। लेकिन ये चालबाज खिलाड़ी के चलते हमें ये दिन देखना पड़ा। क्या कर सकता है, क्या करेगा? छोड़ना, इन चिंदी चोरों के पीछे क्यों पड़ा है? वो क्यों घसीटेंगे? वो सब तो छोटे मोटे एक्टर्स थे ना, उनकी तुलना झांसी से बढ़कर। मैडम क्या बोल रही है, बात को समझ लो। ओके मैडम, ओके ओके। तो तुम कबूल करते हो तुमने मर्डर किया है? लॉयर झांसी का मैडम। लॉयर झांसी तो तुम ही हो ना? यस मैडम, आपने मुझे टीवी पर नहीं देखा। मैडम, लगता है आपको ब्रीफ ठीक से नहीं मिला। इनकी शिकायत है, इनके सीरियल के किरदार लॉयर झांसी को अचानक से शो में मार डाला।
शो में मार डाला तो तुम केस लड़ने आ गई? ऑफ कोर्स। लगता है डेली शो के बारे में आपको ज्यादा पता नहीं है। जैसे मैडम अंदर आई आपको सलाम ठोकना चाहिए था। अरे आप मैडम के बारे में जानती क्या? जान जाएंगी तो समझ जाएगी। भी हो सकता है। लॉयल झांसी जीतेगी, हमेशा ही जीतेगी। लॉयल झांसी जीतेगी, हमेशा जीतेगी। देखा मैडम, मेरी फैन फॉलोइंग कोई छोटा मोटा किरदार नहीं था, फिर भी इन शैतानों ने मेरे किरदार को खत्म किया। इन्हें तो 5 महीनों की जेल होनी चाहिए। और रुको जरा, सजा सुनाने का काम मेरा है, मैं कर लूँ। प्रोसीड। हाँ कीजिए कीजिए। कोर्ट शूट के लिए देते हैं क्या? हाँ देते हैं। कितना रेंट होगा इसका? उन्हीं से पूछिए, बता देंगी। एक निहायत ही बेसलेस केस को इस कोर्ट में लाने के लिए और इस पवित्र न्यायालय को शूटिंग की जगह पर तब्दील करने की जुर्रत करने के लिए कुमारी सिरिशा की गलती को पहली गलती समझकर लीगल काउंसिल को 1,00,000 रुपए डोनेट करने का ऑर्डर दिया जाता है। साथ ही 1 हफ्ते तक आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद और किसी सीनियर लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करने के बाद ही इन्हें कोई और केस लड़ने की इजाजत मिलेगी। साथ ही कोर्ट में इनके असिस्टेंट्स के रवैये को देखते हुए 10 दिन की सजा काफी नहीं है, इसीलिए इन्हें 1 महीने के लिए जेल की कड़ी सजा सुनाई जाती है। लॉयर झांसी, आप हार मत मानना। हम न्यूज में डिबेट करेंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जीतेंगे। जरूरत नहीं, जिस जज ने मुझे पूरे कोर्ट में सबके सामने नीचा दिखाया, मैं उन्हीं के सामने ऐसी दलीलें दूंगी कि वो खुद कहेगी कि लॉयर झांसी मुझे तुम पर गर्व है। क्या मुझे एक सेल्फी मिलेगी? और ये जरूर होगा। हाँ बिल्कुल, आपकी जूनियर बन जाऊंगी और खुद को साबित करूंगी। आपने गलती से मेरे जूनियर होने की बात कही है। आपने 6 बार क्यों कहा? वो क्यों? एक बात बताओ, जब आपकी लाइन शॉर्ट हो ना तो उसे बार बार दोहराओ ताकि सामने वाला इससे कंफ्यूज हो जाए और सीन आपकी कंट्रोल में। तुम जैसी लड़की को जूनियर रखकर मैं अपने करियर को खतरे में नहीं डाल सकता। देखो मैं किसी बड़े प्रोड्यूसर से बात करके उनकी वेब सीरीज में तुम्हें ग्लैमरस रोल दिला सकता हूँ। मैं तुम्हें नहीं झेल सकता। सॉरी सीनियर, एक खूबसूरत हीरोइन जब आपकी जूनियर बनना चाहती है तो भाव क्यों खा रहे हो? मैं इस झांसी को अपने घर की लक्ष्मी बनाने की सोच रहा था, तू इसे मेरी जूनियर क्यों बना रहा है? यही फाइनल डिसीजन है? हां फाइनल है। तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। हर हाल में मुझे आप ही को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है? मेरी तो निकल पड़ी, गाड़ी निकाल। सुन बे, मैं सिर्फ पैसे छीनना जानता हूँ, लौटाना नहीं। मैंने तुझ जैसे वकील पर लाखों रुपए खर्च किए, फिर भी तेरी भूख नहीं मिटती। सर, आपके भाई ने टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट नक्काती नारायण का खून किया है। सर, ऑपोजिट पार्टी ने सारे सबूत कोर्ट में सबमिट कर दिए है। सर, इतने क्रिटिकल केस को जीतने के लिए मुझे थोड़े और पैसे चाहिए। इतने कम पैसों में काम नहीं होगा। पैसे मांगता है? दूं क्या? अरे ये थकेला बुड्ढे लोगों से क्या काम होएगा भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई, पक्का कमर्शियल लॉयर, सिर्फ वही कर पाएगा ये। तो ये माजरा है। डोंट वरी अयूब खान, आई टेक केयर ऑफ यू। मेरे साथ कमिटमेंट का मतलब खूंखार शेर के मुंह में हाथ डालना। मेरा भी ऐसा ही है, अगर कोई मेरी गाड़ी के आगे आ जाए ना तो मैं उसे सीधा उड़ा दूंगा लीगली। अगर आपको भरोसा है तो हाथ मिला लीजिए, मैं आपके भाई को बाहर निकालूंगा। ये सारे एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? इनमें से खूनी कौन है? ये क्या कह रहे हैं मिलॉर्ड? ये है वो आदमी जलील खान। ये जलील खान है तो क्या मैं शाहरुख खान हूँ? मैं हूँ जलील खान। इसे गौर से देखिए मिलॉर्ड, यही है वो आदमी अयूब खान का भाई जलील खान। करेक्ट मिस्टर प्रोसिक्यूटर, तो आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? पता था कि आप कंफ्यूज करेंगे, आई विटनेस लाया हूँ मैं। सिक्योरिटी लिंग गया? नमस्कार सर। नमस्कार मिस्टर लिंगया। इन चारों को गौर से देखिए, सत्यनारायण का खून करने वाला जलील कौन है? ये या ये बताइए।
अभी बताता हूँ। कहाँ चल दिए? थोड़ा करीब से देखने जा रहा था। तो आप मर्डर होते हुए पास से देख रहे थे? ना, उस समय भी इतनी ही दूरी थी। तो यहीं से बताइए ना। दरअसल मेरे चश्मे का नंबर कुछ बढ़ सा गया है, तो यहाँ से बताना मुश्किल है कि असली कौन है और नकली कौन। पहचानने में दिक्कत हो रही है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, लगता है आपके चश्मदीद गवाह के चश्मे काम नहीं आ रहे। ये सब क्या चल रहा है मिलॉर्ड? मेरे लाए हर गवाह को ये लोग कैसे खारिज करवा सकते हैं? जलील खान ने जो धमकी दी वो कॉल रिकॉर्डिंग से साफ है। हमारे पास इसकी कंफर्मेशन है। हमारे पास भी एक इन्फॉर्मेशन है। क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन है? खून के एक हफ्ते पहले इन्होंने पंजाकुट्टा स्टेशन पे अपने फोन खोने की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस थाने की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। योना, मेरे क्लाइंट अयूब खान और उनके भाइयों को फंसाने के लिए किसी ने उनका फोन चुराया, उनकी आवाज में बात की और हमशक्ल को वहाँ भेजकर खून किया, फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसे यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। ये मेरे सीरियल की कहानी है, एपिसोड नंबर 1114। आपके सीरियल से क्या बात है? योना, अगर आपको और सबूत चाहिए तो जिस दिन मर्डर हुआ उस वक्त जलील खान साई बाबा के मंदिर में थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। ऐसे ग्राफिक्स का इस्तेमाल तो मेरा जूनियर भी कर सकता है। ये सब ग्राफिक्स नहीं है, आप ही देखिए ग्राफिक्स असल में कैसे दिखते हैं। मेरे पास एक और फुटेज है जिसमें जज साहब खुद मर्डर कर रहे हैं, देखिए। अरे अरे, ये सब बंद करो, मुझे इन सब चीजों में मत घसीटो, बंद करो। वाह वाह, क्या एक्टिंग किया है। तो तुम साबित क्या करना चाहते हो? कि किसी ने इसके हमशक्ल से खून करवाया और सारा इल्जाम जलील पर डाल दिया? लेकिन इसका चेहरा बिल्कुल अलग किस्म का है, तो फिर इसका हमशक्ल कैसे मिलेगा? मैं बता सकती हूँ यौन, मेरे पास ऐसे बहुत से आइडियाज हैं। ये क्या रायता फैलाने वाली है? हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं यौन, चाहे कैसा भी चेहरा और शरीर हो, हमारा कोऑर्डिनेटर डुप्लीकेट ढूंढ लाता है। बाप रे। फिर जो भी किरदार है उसके हिसाब से आप वैसा मेकअप करवा कर हूबहू वैसा बना सकते हैं। एक बात बताऊं आपको, अगर मैं शूट पर ना जा सकी तो मेरे डूब के साथ वो पूरा एपिसोड निपटा देते हैं, यहाँ तक कि हमारे हीरो के शॉट्स, रस्सी के शॉट्स या कोई खतरनाक स्टंट डूब से ही करवाते हैं। ये सब भी पता है? गौर से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और सही जा रही हो। ये बताओ, आप ओरिजिनल हो या ड्यूब? इतने डायलॉग्स क्या डूब बोल सकते हैं भला? इसे क्यों जूनियर बनाया? तो आपका कहना है इस तरह से ये मर्डर हुआ होगा? नो 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 नो, यस योर ऑनर, ऐसा ही हुआ था। तू आजाद हो गया मेरे भाई। चोर कहीं के? मैंने नहीं मांगी, केस जीतने की खुशी में गिफ्ट दिया उन्होंने। तुमने उससे घड़ी ले ली, लेकिन मेरे एपिसोड का क्या? मुझे क्रेडिट भी नहीं दिया। तुम्हारा एपिसोड? हाँ, और क्या, तुमने इस केस में क्या तीर मारा? हा? कल रात मेरा 1114 एपिसोड देखा होगा, वहाँ से लाइन रट के कंटेंट में हेरा फेरी करके मुझे कॉपी करके तुम जीत गए। तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज नहीं बता दिया। योर ऑनर। क्या कहा? तुम्हारे सीरियल का एपिसोड देख के मैंने केस जीता? ऑफ कोर्स। मतलब तुम्हारी वजह से झंडे गाड़े? मान लो बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी जूनियर बन के ही काम करने वाली हूँ। मैं काम करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं? नहीं दूंगा। क्यों नहीं? नहीं दूंगा। क्यों नहीं? नहीं दूंगा। क्यों नहीं? क्यों नहीं? तुम मुझे बहुत पसंद हो। अगर तुम जैसी खूबसूरत लड़की मेरी जूनियर बन जाए तो दिल भुदक कर तुमसे फ्लर्ट करने लगेगा। डिंग 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 डिंग, तुम्हारे कोमल नाजुक हाथों को छूने का मन करेगा। तुम्हारे रसीले होठों को चूमने का मन करेगा। पैरों से पैरों का मिलन करने का दिल करेगा। तुम्हारे जिस्म से मेरे जिस्म को मिलाने का दिल करेगा। अरे कट 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 कट, अगर तुम शब्दों से ही इतना कुछ जता दोगे तो असल मेकअप करोगे? मतलब गाने के जरिए बताओ। खूबसूरत म्यूजिक हो, बढ़िया सेट हो, फिर देखना मजा आ जाएगा।